अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तान के सबसे मशहूर शख्सियत इमरान खान है। इमरान खान इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि रशिया, चाइना और टर्की के कुछ एक्टर भी इमरान खान के हक़ में ट्विटर पर ट्वीट करते नज़र आते हैं। इमरान खान के मशहूर होने की सबसे पहली वजह तो यह है कि इमरान खान एक मुहिब वतन है, क्योंकि इन्होंने अपनी 22 साल मेहनत से हासिल की गई हुकूमत छोड़ दी लेकिन अपने मुल्क को अमरीका के सामने झुकने नहीं दिया। और आज के इस वीडियो में हम आपको इमरान खान के कुछ ऐसे काम बताएंगे कि तारीख इन्हें हमेशा याद रखेगी, और ये काम आपने पहले कम ही सुने होंगे। लेकिन इससे पहले हमारी नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फैक्ट नंबर 1, इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको लाखों लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट करके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान के फाउंडर से तशबीह दी। और ट्वीट लिखने की वजह यह बताई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी के दबाव में आने के बगैर पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, और तकरीबन यही काम इमरान खान ने किया। इमरान खान ने 22 साल सियासत में गुजारने के बाद हुकूमत हासिल की लेकिन अमरीका के दबाव में नहीं आए। 22 साल मेहनत से हासिल की गई हुकूमत छोड़ दी लेकिन अमरीका के आगे नहीं झुके। फैक्ट नंबर 2, जब हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अमरीका के दौरे पर गए तो उन्होंने दौरे पर $4 लाख खर्च किए, जो मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में 9,16,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ठीक 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमरीका के दौरे पर गए तो इमरान खान ने बामुश्किल $50,000 खर्च किए, जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 1,14,00,000 रुपये बनते हैं। और याद रहे, जब कोई वज़ीर आज़म किसी मुल्क के दौरे पर जाता है तो सारा खर्चा हुकूमती ख़जाने पर होता है, यहाँ तक कि एक वज़ीर आज़म के कपड़े भी हुकूमती ख़जाने से ही होते हैं। लेकिन याद रहे, अमरीका के दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 9 से 10 गुना कम खर्चा किया। और इस बात का जिक्र इमरान खान ने आते ही नहीं किया बल्कि तब किया था जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया जा रहा था। सारे मेरे ट्रैवल देखे, जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में, क्योंकि मुझे खौफ खुदा है, मेरे मुल्क में भूख है, मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ, मेरी जिंदगी। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सिर्फ एक ही मस्जिद है जो इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने तमीर की थी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है और ये मस्जिद फलस्तीन की ज़मीन में वाकया है। 2 दिन पहले मस्जिद अक्सा में इमाम शेख अकरमा ने इमरान खान के हक में दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह इमरान खान को सेहत और तंदरुस्ती अता करे और इंशाल्लाह एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। फैक्ट नंबर 4, इमरान खान अपनी हुकूमत में जब रूस के दौरे पर गए तो इमरान खान ने रूस के सदर से आलमी मार्केट से 30% कम पेट्रोल और गंदम की खरीद पर बात की, और रूस पाकिस्तान को आलमी मार्केट से 30% कम पेट्रोल देने पर आमादा भी हो गया था। लेकिन अफसोस, इस बात पर अमल दरामद होने से पहले ही इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। रूस के सदर आज भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को 30% नहीं बल्कि 45% तक पेट्रोल सस्ता देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हों, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के अंदर मुझे इमरान खान जैसी काबिलियत नज़र नहीं आती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जितना किसी मुल्क की एक्सपोर्ट और फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होता है उतना ही ये मुल्क खुशहाल होता है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 10% तक इजाफा कर दिया था, और इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $16 अरब से भी ज़्यादा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $9 अरब से भी कम हो चुका है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ही कमी आई है। फैक्ट नंबर 6, तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान को सारी दुनिया एक बहुत ही अच्छे इस्लामिक लीडर के तौर पर जानती है, लेकिन जब तैयब अर्दोगान ने इमरान खान से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अपने जैसा लीडर मिला है। और तैयब अर्दोगान ने यह भी कहा था कि जब तक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है तब तक तुर्की और पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक ही मुल्क हों, और पाकिस्तान के हर मसले में तुर्की पाकिस्तान के साथ है, यहाँ तक कि भारत के साथ जंग होने पर भी तुर्की पाकिस्तान के साथ ही है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये बात भी सुनने में आ रही है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अमरीका जाकर अमरीका के सदर से मुलाकात की, और वो भी अपने कौमी लिबास को पहनकर यानी शलवार कमीज पहनकर। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से मुलाकात करके ये भी कहा था कि पाकिस्तान में अब किसी अकलमंद हुक्मरान की हुकूमत आई है। फैक्ट नंबर 8, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे तो नहीं रहते लेकिन आप ये बात सुनकर बहुत हैरान होंगे कि भारत के भी बहुत से एक्टर और मशहूर लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग में शामिल हैं, जिनके अंदर शाहरुख खान, आमिर खान, नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। यहाँ तक कि जब शाहरुख खान पाकिस्तान आए थे तो एक इंटरव्यू के दौरान इनसे ये भी पूछा गया कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी और आपके हीरो कौन हैं,
तो इन्होंने यही जवाब दिया था कि मेरे हीरो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इमरान खान है। फैक्ट नंबर 9, इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने करप्शन के बारे में अपनी सारी कौम को खुलकर बताया कि करप्शन क्या है और ये होती कैसे है और इसके मुल्क पर कितने बुरे असरात मरतब होते हैं और करप्शन की वजह से ही मुल्क तबाह होते हैं, और कहते हैं कि इमरान खान की ये बात 100 साल तक तारीख में लिखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं जल्द ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।